तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी की। यूपी के 4 जिलों में आयकर विभाग का छापा पड़ा है। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, नोएडा में छापेमारी की कार्रवाई जारी है। लखनऊ में नीलकंठ स्वीट के 8 ठिकानों पर छापा पड़ा है। वहीं कानपुर में बैजनाथ रामनाथ ज्वेलर्स पर आईटी की छापेमारी पड़ी है। नोएडा में बुलियनवाला और मुरादाबाद में एक एक्सपोर्टर के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है ये, 4 जगहों पर उत्तर प्रदेश के आईटी विभाग ने छापेमारी की है और नोटबंदी के बाद से एक तरह से देखा जाए छापेमारी का दौर जारी है और कई बड़े नाम इसमें सामने आए हैं। आपको बता दें 4 जगह लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अवनीश, नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग की छापेमारी भी लगातार जारी है, ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से कैश मिल रहा है, इन 4 जिलों में छापेमारी में आईटी को लगभग कितना कैश बरामद हुआ है, क्या कार्रवाई की जा रही है इन पर, क्योंकि एक मतलब देखा जाए बड़े चेहरे जो है वो बेनकाब हुए हैं इसे। अवनीश, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से ये 4 ठिकाने लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, नोएडा, इन 4 जगहों पर आईटी की कार्रवाई जारी है। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। यहां के सेक्टर 51 की एक्सिस बैंक की शाखा में फर्जीवाड़े की खबर पता चली है और आपको बता दें कि इस ब्रांच में 20 कंपनियों के खाते फर्जी हैं। इन खातों में 60 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा होने की खबर है। आपको बता दें सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक की शाखा में ये कार्रवाई की जा रही है।